क्योंकि 323 है, 342 दो हजार सन 2000 का है ये 2000 मामला का ऑफेंस है। जी, 11/3/2000 का मामला है, लगभग 24 साल पुराना। फाइन अमाउंट तो अगर कुछ बढ़ा के देखा तब तक के लिए जेल भेजें क्या? सर बहुत पुराना केस है। नहीं, 354 तो होगा, चलिए 323 में छोड़ दिए सब, तो हाथ तो पकड़ा है उसने भाई। सर उसने झटकारा ऐसे करके हाथ को हाँ तोड़ा तो था ठीक है, पूरा। लेकिन हाथ तो पकड़ा है ना, हाथ क्यों पकड़ा है? 354 तो ऐसी प्रूफ हो गया है, जी ईमानदारी से केस तो पूरा प्रूफ हो रहा है। यही है कि आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 25 ईयर्स व्हाट टू डू। एंड विक्टिम कैटेगरीली स्टेटेड अबाउट द इंसिडेंट, सी रिसीव्ड सम इंजुरीज ड्यू टू एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट अगर एंड व्हिच इज इक्वेटल ऑल्सो। में, इक्वेटल में व्हाट इज द लॉ अगेंस्ट द इक्वेटल व्हेन दिस कोर्ट शुड इंटरफियर। अभी जजमेंट कोई लेटेस्ट आया ना कि कभी कभी जब हम इंटरफेयर कर सकते हैं जब एकदम ग्लैरिंग 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 एग्जाम्पल इलीगलिटीज हो। लॉर्डशिप, इन दिस केस सी यस कैटेगरिकली स्टेटेड अबाउट द इंसिडेंट एंड डॉक्टर ऑल्सो सपोर्टेड द एक्विटल इज ओनली ऑन द ग्राउंड दैट दो नो इंडिपेंडेंट विटनेस हैव बीन सपोर्टेड द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। माय लॉर्ड, मे काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम। इसमें तो इसको इक्वेटल के बाद सेंटेंस के लिए हम ही कर सकते हैं कि रिमांड करेंगे। अब आप ऑनरेबल कोर्ट्स, जी ऑफेंस आर अंडर सेक्शन ऑफेंस आर अंडर सेक्शंस लॉर्डशिप 323, 354, 5062, 452। 354 उस वक्त में तो कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं थी, उस समय वो पुराना है, पुराना एक्ट है 452 भी है। 452 तो वो हाउस भी ट्रेसपास हाउस टेस्ट पास वाला है। लॉर्डशिप, और 323 उसके साथ जो झापड़ क्या झापड़ पढ़ मारा मारा है, और धमकी जो दिया है 506 पार्ट 2 एक जी। पार्टी थी एज ऑफ दी विक्टिम नाउ। ये मैडम ईश्वरी दत्तलेरे ने मेमो फाइल किया था ना इसमें, वो इसमें कहाँ है बुला लो भी उनको। यहाँ जी, मीना मैडम, मीना नहीं वो शास्त्री, तो नहीं होगी, ईश्वरी दत्तलहरे मैडम जमाने में पुराना दोस्त था ना। ईश्वरी दत्तलहरे, आलोक पांडे, आर एस पांडे नहीं नहीं वो ही है मैडम, अपेयर हुई थी, बुलवा जी। लीजिए उनको। मिनिमम अच्छा, एक आध हफ्ते की सजा देके खत्म करें और क्या, क्योंकि वो ऑनरेबल वो जी, 323 है, 342 दो हजार सन 2000 का है ये 2000 का मामला ऑफेंस है। जी, 11/3/2000 का मामला है, लगभग 24 साल पुराना बस। लेकिन विक्टिम ने बोला है और डॉक्टर ने सपोर्ट किया है, हाँ इंजुरी है जी इंजुरी है, जी पर 323 ही क्या है केस, हाँ 323 की है। हाँ अगर बाकी चीजों को ना भी माने तो 452 में आ गया, इंजरी और में 323 तो प्रूव हो गया, हाँ और 354 लेकिन उसमें भी मिनिमम सेंटेंस का कोई उस प्रावधान नहीं समय था। नहीं था, फाइन वगैरह करके। मीना भाई जी, फाइन अमाउंट कर देते हैं, लॉर्डशिप, बुलवा लीजिए इनको, सुन के खत्म करेंगे इसको भी, आप क्लोज कर देंगे आज। बुला इश्यू लीजिए इस, हमको बुला लीजिए, मैडम का डिस्प्ले नाम से डिस्प्ले करवा देना। भी करवा दीजिए। मैडम क्या करें, फाइन अमाउंट तो अगर कुछ बढ़ा के देखा तब तक के लिए जेल भेजें क्या? सर कॉन्ट्रडिक्शन है सर, FIR 154 और 164 में। एक बार मैं बताओ क्या एक्सप्लेन कर देती हूँ। बताओ। लॉर्डशिप 161 एंड FIR को देखेंगे तो उसमें 161 के बयान में ये पाया गया है कि लाठी से मारने का जिक्र हुआ है और पति का घर में ना होने का भी जिक्र किया गया है और पड़ोसी को बताने का भी जिक्र किया गया है, लेकिन FIR में ऐसा कुछ भी नहीं आया है सर। FIR 161 को मैं पढ़ देती हूँ।
इसमें 154 में लिखा गया है, मेरे बाएं हाथ कलाई को पकड़कर और मुझे बेइज्जती करने हेतु जमीन में पटकने लगा। मैं उसे डांटते हुए अपने हाथ को पटक दी, जिससे बाया हाथ कलाई में पहले पहने सभी चूड़ी टूट गई है और गिर गई है। वो खुद 354 तो हो रहा है ना सर, बहुत पुराना केस। नहीं, 354 तो होगा, चलिए 323 भी छोड़ दिए सब, तो हाथ तो पकड़ा है उसने, 354 तो है ही है, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते सर। उसने झटकारा ऐसे करके हाथ को तोड़ा, तो ठीक है, लेकिन हाथ तो पकड़ा है ना, हाथ क्यों पकड़ा है, 354 तो ऐसी प्रूफ हो गया है। और विक्टिम के स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर नहीं सकते, है ना, तो कैसे कर। देखिए कन्विक्शन तो अगर इसको हम अभी क्या करता है ये, अभी सर किसान है ये, कुछ नहीं करते, तो एक तो काफी एजेड हो गए हैं। क्या कितने साल की एज हो गई, लगभग लगभग 60 इयर्स हो गया। तो फाइन अमाउंट करके करें क्या, अभी 354 पुराना दिखाइए तो पंडित जी, 354 में फाइन भी था पुराना कि क्या था, फाइन में भी छोड़ा जा सकता होगा, 452 भी प्रूव होगा क्योंकि थ्री घर के अंदर की घटना है, और 323 भी प्रूव है सब जी, ईमानदारी से केस तो पूरा प्रूव हो रहा है। यही है कि आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 25 इयर्स व्हाट टू डू, क्योंकि डॉक्टर की भी ओपिनियन में इंजुरी भी आई है इनको। हाँ, PW7 डॉक्टर RP सिंह है, इसमें लेसरेटेड वाउंड दाहिने हाथ की पिंडली में है और उसमें खून स्क्रैच कुछ आहत एक्सरे किया गया, दो दिन पहले की चोट थी ये बताया गया एग्जिबिटेड 5 में, एक्सरे कराया गया है, दो दिन पहले की चोट थी और वह रिपोर्ट 1 डे डिले हुआ है, उसका रीजन बताया गया है कि गाड़ी ना होने के कारण, और मेडिकल में सर स्वेलिंग एंड पैन राइट ओन्स हैंड 1/3, और डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि पथरीली जमीन पर गिरने से चोट आ सकती है कोहनी के बल गिरने से। प्रायर टू 2013 क्या था अमेंडमेंट में, 354 में, 354 में मिनिमम पनिशमेंट डिस्क्राइब नहीं था उस समय, पहले जी फाइन और बेलेबल ऑफेंस था वो। हाँ, which may extend to 5 years and shall possibly liable to प्रायर टू अमेंडमेंट क्या था बताइए तो, चलो देखो पंडित लॉर्ड सिंह 354 प्रायर टू 2013 एक यदि फाइन अमाउंट से हो सकते हैं तो हम फाइन अमाउंट कर सकते हैं सर, रिक्वेस्ट 323 में तो फाइन अमाउंट कर सकते हैं, चलिए अब आफ्टर 25 साल क्या करेंगे इसको, फाइन अमाउंट क्या है इसमें, फाइन अमाउंट सर और 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, दोनों से 354 और है कि एंड है, नहीं नहीं ये नया है, नया नहीं पुराना पुराना प्रायर 2013 के पहले 1 का 2 का पुरानी किताब में निकलना पड़ेगा। खत्म करते हैं, क्लोज कर दो आर्गुमेंट, हट दीजिए जी, 323 में भी मिनिमम नहीं है, मिनिमम नहीं, 452 में भी नहीं है, लॉर्ड सी नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स। अरे वो तो अमेंडमेंट की बात की है भाई, 13 की है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 और 2 की बात है ना, अगर लेस देन 1 ईयर मिनिमम नहीं है तो हम फाइन का होगा तो फिर देखते हैं फाइन मिन करके या एक आध हफ्ते के लिए भेज देंगे।
सर बहुत ओल्ड हो गए हैं और वो प्रॉपर अपना जो भी ट्रायल कोर्ट में पेशी था वो भी प्रॉपर कर रहा था और कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। विच मे एक्सटेंड टू टू ईयर्स और विथ मे फाइन और विथ फाइन, फाइन से कर सकते हैं और विथ फाइन, विथ और विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू टू ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ, तो तीन ऑप्शन है हमारे पास। चलो देखते हैं फाइन एंड कुछ करके देखते हैं। कोई जजमेंट दिखाइए मैडम कि 354 में से फाइन लगा के पुराने एक्ट में हम छोड़ सकते हैं, बता दीजिए, क्योंकि केस तो प्रूव है ही है। आर्गुमेंट है डिजर्व कोई का जजमेंट निकाल के बताइए 304 में 354 में सिवल फाइन अमाउंट करके कर सकते हैं, बता दीजिए हम तो देख लेंगे। थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।